काटा गांव ग्राम पंचायत जो कि कोंडा गांव विकास खंड के अंतर्गत आता है, यहां रोड के दोनों तरफ लगभग कोंडा गांव विकास खंड के हर पंचायत में इस ढंग से पौधारोपण किया गया है, किसानों का जमीन को अधिग्रहण किया गया है और यहां पर पौधा लगाया गया है, जहां पर न पौधा हो पा रहा है और न ही किसानों को यहां कष्ट करने दिया जा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है या फिर अच्छे ढंग से यहां पर पौधा लगाया जाए या फिर हमें कष्ट करने दिया जाए। ये जो आपके पीछे पौधारोपण किया गया था, ये कब से किया हुआ है? 3 साल हो गए। तो यहाँ एक भी पौधा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कारण? यहाँ एक भी पौधा नहीं देगा, किसान का जमीन भी जाता है और पौधा भी नहीं लगाते। तो आपका भी जमीन गया है? हाँ, मेरा भी जमीन गया है। आपका कितना गया होगा? लगभग एक आध एकड़। अच्छा, तो वहाँ अभी कास्ट नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहे। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, पौधा लगा देते, जमीन दे देते। तो यहाँ पे जो आपके पीछे जो प्लांटेशन किया गया था, यहाँ के चौकीदार हैं आप? जी। कब से कर रहे हैं? मैं जब से चालू हुआ है तब से। पहले पौधा लगाते समय रोजी में किया। हाँ। पौधा लगा के खत्म हुआ तब फिर मेरे चौकीदारी में लगाए। अच्छा, तो रोजी में करते थे उस समय कितना देते थे और अभी कितना दे रहे हैं? रोजी में कर रहे थे उस समय 132 के दर से दे रहे थे, अभी 3000 दे रहे हैं महीने का। अच्छा, कौन देता है? रेंजर साहब। कौन है रेंजर? अब नाम तो नहीं मालूम सर, ठाकुर रेंजर करके जानते हैं। तो ये आपके पीछे पोल गिरा है और उधर फेंसिंग तार नहीं है और यहाँ पौधा नहीं है, तो आप किस चीज़ का यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं? अब रात को चोरी हो जाता है तो हम क्या करेंगे सर। इधर सीतली से शामपुर नकटी नाला था, अभी उतना लंबा सफर देखने में उधर जाते हैं तो इधर पूरा गाय बैल चरा के ख़त्म कर दिए रहती हैं, उधर से आते हैं तो उधर घुसाए रहती हैं। एक आदमी उतना लंबा क्या देखेगा। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कॉरपोरेशन के रेंजर जिनका नाम है SC S ठाकुर जी, इनसे मोबाइल पर संपर्क कर इस मुद्दे को सुलझाएं। इनका मोबाइल नंबर है 9425952234। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडा गांव, छत्तीसगढ़।